दूसरा संकट इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा एक साल पहले हर तीन चार महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यदि कहते हैं देश में सुना है, और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने का करके दिखाएंगे। हर तीन महीने के बाद वो एक काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो एक साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। उन्हें चिंता नहीं है और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेगी। नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। मोदी तेरे शासन में, आग लगी है शासन में। और मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। मोदी तेरे शासन में। नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। आज जो चला है 10 जुलाई, फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, बिग बिग। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबराई बीजेपी, आखिर लोकसभा 24 में इसका क्या परिणाम निकलने वाला है। भाजपा खेमे में हड़कंप मचा है, राहुल गांधी की लोकप्रियता देख। अच्छा भाई, यूसीसी को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है, अब इसका विरोध प्रदर्शन देश भर में शुरू हो चुका है। जिस तरह से संसद के पहले सत्र में इसका बिल जाना है, ऐसे में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अच्छा वहीं देखा जाए, महंगाई को लेकर भी जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा, प्रधानमंत्री का पुतला तक फूंका गया। टमाटर की सिक्योरिटी में कमांडो और गनर हैं, एमपी में अनोखी रैलियां निकाली जा रही हैं। असम में एक और बड़ी खबर निकल के आ रही महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में भी राजनीतिक घमासान नहीं थमा है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, पुराने मंत्रियों को कैबिनेट से हटा दिया गया है। आखिर क्या नया घमासान मचा, क्यों हटाया गया, इसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। वहीं आने वाले समय में मध्य प्रदेश में रैली करने जा रही है प्रियंका गांधी, ग्वालियर में होने वाली है लहरी। देखा जाए तो चंबल, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का घर है, वहां पर सेनमारी करने के लिए तैयार है। अच्छा एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, अग्निवीर को करारा झटका लगा है। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं, कांग्रेस बोली केंद्र सरकार लगातार देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये तमाम बड़ी खबर निकल के आ रही है। अच्छा वही चलते, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, पश्चिम बंगाल में चुनाव में जिस तरह से हिंसा हुई थी, इसके बाद भी विरोध प्रदर्शन जारी है, इसके बारे में जानने वाले। वहीं पीएम मोदी का पुतला फूंका जा रहा, बताएंगे इसके बारे में। 12 जुलाई को राजधानी रायपुर में भी धरना करने जा रही कांग्रेस। साथ ही तमाम बड़ी खबरों जानने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएगा, देश दुनिया की सभी फटाफट बड़ी अपडेट पाने के लिए। दरअसल चलते हैं पहले, राहुल गांधी की लोकप्रियता देख भाजपा घबराई हुई है और लगातार इसी कोशिश में है किसी तरह से राहुल गांधी को रोका जा सके। यह बड़ा खुलासा कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के ही नेता कर चुके हैं। आप सही सुन रहे हैं, लगातार जिस तरह से राहुल गांधी की फेस वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री के लिए काल साबित हो सकती है। आने वाले लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और विधानसभा चुनाव में जो हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। राहुल गांधी मानहान केस में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा राहुल गांधी की याचिका खारिज किए जाने को लेकर कांग्रेस नेताओं ने जबरदस्त नाराजगी दिखाई है। उन्होंने जमकर प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की, लोकतंत्र की हत्या करार दिया। साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, इससे घबराई हुई है बीजेपी और साथ ही केंद्र, और इसीलिए राहुल गांधी को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आने वाले चुनाव भी इसी परिणाम में जाएंगे कि सत्ता में बदलाव होने वाला है। वैसे आप सबकी क्या राय है, राहुल गांधी की जिस तरह से फेस वैल्यू बन रही है, आने वाले 24 के चुनाव में क्या कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वही कांग्रेस प्रवक्ता का भी कहना है कि भाजपा ये देश के संविधान को समाप्त कर रही है, आम आदमी पार्टी के अधिकारियों को जिस तरह से उन्होंने ईडी और सीबीआई के शिकंजे में फंसाया, ये कहीं ना कहीं संविधान और कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए हमें लगातार लड़ना होगा और एकजुट होकर, ऐसे देखा जाए जिस तरह से भाजपा ने कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया, इसका अंत नजदीक आया है और हम एक साथ रहकर इसे जल्द ही केंद्र से बाहर कर देंगे। वैसे आप सबकी क्या राय, इसको लेकर अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। आने वाले समय में आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, अगर राहुल गांधी को, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा राहुल गांधी। अच्छा चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, जहां पूरे देश भर में देखा जाए तो यूसीसी को लेकर घमासान मचा हुआ है। जिस तरह से यूसीसी का मुद्दा इस समय तूल पकड़ रहा है, कहीं ना कहीं इसे विशेष पत्रकार या वरिष्ठ पत्रकार बार बार यही कह रहे हैं कि अगर
यूसीसी लागू हो रहा है तो देश में जलजला आ जाएगा, क्योंकि ये कोई जमीनी मुद्दा नहीं है जो आर्टिकल 370 से हटा दिया जाए या लगा दिया जाए, यह एक मानसिक और लगाव वाला मुद्दा है जो जल्द ही पूरे देश में एक उथल पुथल ला सकता है। देखा जाए भाई, मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आदिवासियों ने भी जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल देखा जाए ये क्यों विरोध हो रहा है, जरा समझिए। मेघालय के मुख्यमंत्री ने खास बयान दिया था, उन्होंने कहा कि यूसीसी से आदिवासी समुदाय और ईसाई समुदाय को अलग रखा जाएगा। ये केवल मेघालय के लिए एक नया कानून बनाया गया है, लेकिन इस बीच देखा जाए तो मध्य प्रदेश के आदिवासी भी इसका विरोध कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आने वाले समय में और सारे लोग भी इसका विरोध करेंगे। वैसे आप सबकी क्या राय है इसको लेकर, अपनी राय जो कमेंट के माध्यम से नीचे जरूर देना ना भूलिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, जी हां, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही, जहां पर महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ जोरदार विरोध किया जा रहा है। टमाटरों के पीछे सिक्योरिटी गार्ड और कमांडो लग चुके हैं, महंगाइयां लगातार आलम तोड़ रही हैं और इसके खिलाफ अनोखा प्रदर्शन हो रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया, जमकर नारेबाजी हुई। अब वही देखा जाए मध्य प्रदेश में, खासकर देखा जाए रायसेन में, कांग्रेस ने सब्जी की महंगाई को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया है। आपको बताते चले, इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कमांडो सुरक्षा के बीच सब्जी यात्रा निकाली, सरकार पर करारा निशाना साधा गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार महंगाई पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, लोग परेशान हैं, रोजगार के साधन भी पूरी तरह से मुहैया नहीं करा पा रही है सरकार। उन्होंने कहा बेरोजगारी में पूरी तरह से फेल है और आने वाली महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो गरीबों के लिए काल बनती जा रही है। दरअसल बढ़ती महंगाई और आसमान छूती सब्जियों के दामों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन आम जनता लगातार कर रही है। इसको लेकर आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वहीं अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, जी हां, महाराष्ट्र से बड़ी अपडेट निकल के आ रही, जहां अभी भी सियासी उथल पुथल जारी है। आपको बताते चले कि पुराने कैबिनेटियों को हटा दिया गया, पुराने कैबिनेट मंत्री को हटाया गया। अभी रार नहीं थमी महाराष्ट्र में बदले सियासी समीकरण के बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर घमासान मचा गया। इस घमासान में शिंदे गुट के विधायकों को सबसे ज्यादा चिंता हो रही है। अनुमान है कि इन सबके मुताबिक महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार के अगले कुछ दिनों के भीतर एक नया सियासी घमासान मचने वाला है। सबसे बड़ा घमासान ये समझिए आप कि आने वाले समय में खास तौर पर सीएम पद में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। लेकिन इस बीच देखा जाए जिस तरह से कैबिनेट विस्तार के पुराने मंत्रियों को बदला गया, जिन्हें हटाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए शिंदे गुट के लिए भी एक करारा झटका है। क्योंकि इतना खास बदलाव क्यों किया जा रहा है, जबकि देखा जाए शिंदे गुट के ही सबसे पुराने कैबिनेट के मंत्री रहे थे। वैसे आप सबकी क्या राय है, आने वाले समय में जिस तरह से कैबिनेट मंत्री बदले जा रहे हैं, इसी तरह से खास कर पर शिंदे की सीट भी बदल दी जाएगी और अजीत पवार को सौंप दी जाएगी। अपनी राय जो वो कमेंट के माध्यम से नीचे देना ना भूलिएगा। अच्छा, एक बड़ी खबर निकल के आ रही मध्य प्रदेश से, जहां पर प्रियंका गांधी चुनौती देने जा रही हैं सिंधिया को। बड़ी खबर निकल के आ रही है, 230 सीटों पर विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। 114 सीटों पर कांग्रेस ने अगली बार जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार एक बड़े अंतर से बीजेपी को हराना चाहेगी कांग्रेस। इसी को लेकर लगातार इस बार मध्य प्रदेश में कैंपेन पर कैंपेन और रैलियां कर रही है कांग्रेस। और वैसे देखा जाए कांग्रेस इस समय वैसे भी महाराष्ट्र में काफी आगे निकल चुकी है बीजेपी के मुताबिक, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से भ्रष्टाचार फैलाई और दूसरी तरफ देखा जाए आदिवासियों समुदाय के ऊपर जिस तरह से किया गया, ये कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा बन सकता है और आने वाले समय में जनता इसका जवाब जरूर देना चाहेगी। वैसे आप सबकी क्या राय है, वैसे खास खबर है कि 22 जुलाई को ग्वालियर में बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रही है। ग्वालियर वैसे देखा जाए सिंधिया का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर 34 सीटें हैं, 34 सीटों का सर्वे आपको दिया गया होगा, जिसमें 17 से 18 सीटें अभी ही कांग्रेस के खेमे में जा रही और आने वाले समय में रैली के बाद इसमें एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसा एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, वंदे भारत ट्रेन का कलर बदल गया है। बड़ी खबर निकल के आ रही, राजनीतिक कलर दिया जा रहा है। वैसे इससे पहले आपको बताते चले भगवा कलर दिया गया अभी, लेकिन इससे पहले सफेद और नीले में वंदे भारत ट्रेन को चलाया जा रहा था। इस समय देखा जाए प्रधानमंत्री वंदे भारत ट्रेनों को खूब हरी झंडी दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच जिस तरह से कलर बदल दिया गया, ये कहीं ना कहीं देखा जाए इसमें राजनीति की जा रही है। वैसे आप सबकी क्या राय है, जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन का कलर बदला गया है, अभी राय भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, आपने इससे पहले देखा कि मध्य प्रदेश में दरिंदगी की सारी हदें पार हुई, लेकिन मामला अब उत्तर प्रदेश से भी निकल के आ रहा है। यहाँ पर भी एक शख्स की जमकर पिटाई की जा रही, फिर उससे पीटने के बाद उसे थूक चाटने के लिए कहा जा रहा है। बड़ी खबर निकल के आ रही, यूपी के सोनभद्र में एक युवक को पीटने के बाद जूते पर थूक कर उसे चाटने वाले दबंग लाइनमैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक के साथ कथित दुर्व्यवहार का वीडियो वायरल भी हुआ और देखा जाए यूपी पुलिस एक्शन में है। लेकिन मामला यह है कि क्या इसके घर पर बुलडोजर चलने वाला है या नहीं, ये बातें अभी निकल के आ रही हैं और जनता योगी सरकार से सवाल
पार्टी पूछ रही है। वैसे आप सबकी क्या राय है, आए दिन भाजपा शासित राज्यों में ऐसे मामले सामने निकल के आते हैं। वैसे देखा जाए जो शख्स रहा वो SC ST से बिलोंग करता था, और असल में देखा जाए वही पूरी तरह से इन सब जितनी भी घटनाएं हो रही हैं इनका शिकार केवल और केवल SC ST और नीचे जाति वाले बन रहे हैं। वैसे आप सबकी क्या राय, इसको लेकर अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, अध्यादेश को लेकर एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के सामने मत्था टेका है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हम कांग्रेस के रुख का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि होने वाली विपक्षी एकता में हम फिर से बात करेंगे। देखा जाए तो इस समय विपक्षी एकता को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की आगामी बैठक में शामिल होने के लिए हमारे पास निमंत्रण भेजा गया है। यह अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमें निमंत्रण भेजा है। वैसे आप सबकी क्या राय है, क्या अध्यादेश में अरविंद केजरीवाल की मदद करनी चाहिए या नहीं? लेकिन देखा जाए जिस तरह से कांग्रेस ने उन्हें मदद निमंत्रण भेजा है, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस उनकी मदद करने के लिए आगे आएगी। वैसे आप सबकी क्या राय इसको लेकर, अपनी भी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा, जयपुर से एक खबर निकल के आ रही है, आपको बता चले मंदिरों के लिए गाइडलाइन जारी की है जयपुर सरकार। अब मंदिर में खास तौर पर कपड़ों की डिजाइन को लेकर ये गाइडलाइन है। राजस्थान के जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में भक्तों के लिए एक ड्रेस कोड पेश किया गया है। उसमें उन्हें फटी कटी जेंस स्कर्ट नाइट सूट और मिनी स्कर्ट पहनने से परहेज करने के लिए कहा गया। मंदिर प्रशासन ने इसकी जानकारी दी। मंदिर प्रशासन की ओर से मंदिर के बाहर गेट पर लगाए गए एक पोस्टर में सभी महिला और पुरुषों से मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहनकर आने का आग्रह किया गया है। पोस्टर में छोटे वस्त्र हाफ पैंट बरमूडा मिनी स्कर्ट नाइट सूट और कचे फटे जींस फ्रॉक पहनकर आने से बाहर कर दिया जाएगा। बाहर से ही दर्शन प्राप्त करने का लाभ उठाएं, इस तरह के पोस्टर भी लगें, आप पोस्टर साफ देख सकते हैं। वैसे आप सबकी क्या राय है इस सब को लेकर, अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से नीचे जरूर बताएगा। क्या इसी तरह के गाइडलाइंस सभी मंदिरों में होने चाहिए या नहीं, अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चलते हैं अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में आप देखा था कि आदिवासी समुदाय के साथ जो कुछ हुआ इस पर राजनीति भी खूब हुई और देखा जाए खूब बयानबाजी भी हुई। लेकिन अब इसको लेकर ओवैसी का भी बयान निकल के आ रहा है। ओवैसी का बयान है कि आने वाले समय में माफ़ी मांगी जाएगी या फिर उसे जेल भेज दिया जाएगा। देखा जाए तत्काल बुलडोजर तो चला, लेकिन दूसरी तरफ एक और कल खबर निकल के आई थी। आपको बताया था कि एक बंदे का अपहरण किया जाता है, अपहरण करने के बाद उसे कार के अंदर बंधकर खूब पीटा जाता है, तलवे चाटने की बात आती है। मध्य प्रदेश में आए दिन तरह तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन ये घटना दलित व्यक्ति के साथ नहीं होती बल्कि मुस्लिम युवक के साथ हुई थी। अब इसको लेकर ओवैसी का बयान निकल के आया। ओवैसी का कहना है कि आए दिन जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं मध्य प्रदेश में, ये कहीं ना कहीं BJP के अंत नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए इस तरह से घटनाएं हो रही हैं। और उन्होंने कहा बुलडोजर चलना या फिर माफ़ी मांगना ये कोई साफ तौर पर न्याय नहीं होता है, उसे जेल भेजा जाएगा या नहीं, सवाल केवल एक है, जेल भेजा जाएगा या नहीं। लेकिन अभी तक देखा जाए तो BJP सरकार द्वारा यानी वहाँ मध्य प्रदेश द्वारा किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। वैसे आप सबकी क्या राय है, जेल भेजना चाहिए या नहीं, अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। और चलते हैं एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बताया इस समय लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में उथल फुथल है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए शिंदे गुट के अंदर भी हड़कंप मचा रही है। वैसे बताते चले जिस तरह से शिंदे गुट के 7 विधायकों को नोटिस भेजा गया है स्पीकर द्वारा, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो खास तौर पर शिंदे गुट के अंदर हड़कंप मचा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर द्वारा राहुल नवेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के 40 और उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को नोटिस भेजकर जवाब का तलब किया है। देखा जाए इन सभी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की याचिका विधानसभा स्पीकर के पास दाखिल की गई है। दरअसल याचिका दाखिल करने के पीछे शरद पवार कहाँ थे, और शरद पवार ने कहा है कि आने वाले समय में इस जो कुछ पार्टी तोड़ने का काम किया गया है इसकी सज़ा BJP के साथ साथ उससे जुड़ी पार्टियों को भी भुगतना पड़ेगा, इसीलिए समन भेजा गया। अब देखा जाए इस पर खास तौर पर अब जवाब मांगा गया है सभी नेताओं से, इन्हें नोटिस भेज दिया गया है। वैसे आप सबकी क्या राय इसको लेकर, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएगा। वैसे बताइएगा पश्चिम बंगाल में जो हिंसा भड़की उसके पीछे किसका हाथ था, जिस तरह से सर्वे आपने देखा कि मोदी का नाम सबसे पहले था, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, वहीं हरियाणा में कल राहुल गांधी गए थे, अब किसानों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है धीरे धीरे। किसानों का कहना है उन्होंने हमसे बात की, हमें बहुत अच्छा लगा, उनसे अच्छा नेता और कोई नहीं हो सकता है। राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चलाया, हम सुनाएंगे किस तरह से क्या कुछ बयान निकल के आ रहा है लोगों का। और ख़ासकर एक लड़की है जिन्होंने बताया कि हम भैया के लिए खाना भी लाए, उन्होंने खाना भी खाया,
ये सारी बातें निकल के आ रही, जिस तरह से लगातार मानवता की एक नई मिसाल बनते जा रहे हैं राहुल गांधी, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में खटक रहा है और आने वाले चुनाव में राहुल गांधी को इसका परिणाम भी मिलेगा। जिस तरह से लगातार लोगों से राहुल गांधी जुड़ रहे हैं, वैसे आप सबकी क्या राय है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, जिस तरह से राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, क्या आपने अभी तक इस तरह से देखा था या नहीं, और आने वाले चुनाव में खास बदलाव आप सबको देखने को मिलेगा या नहीं। वैसे महंगाई की क्या हाल है अपनी भी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। क्या आप ऐसी सरकार की कल्पना भी करना चाहेंगे जो लगातार महंगाई को तूल पकड़ा रही है, अपनी राय जो कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलना चाहेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।